देखिए गाइस ये धीरे धीरे गर्म होगा, बहुत जल्दी गर्म होता है। तो यकीन मानिए इसकी जो आँच है गाइस बहुत तेज रहेगी। आप 1 फुट 2 फुट की दूरी पे भी खड़े रहोगे तो भी आराम से बैठ कर आँच का मजा उठा सकते हो। ठीक है गाइस, सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइस बहुत ज्यादा अच्छा हूं। गाइस अभी आपने देखा ये रूम हीटर जो है काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, और ये गाइस किस तरह बनाया गया भाई, चलते फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और भर भर के कमेंट भी कर देना, क्योंकि सेकंड पार्ट में इससे बहुत बेहतरीन हम लाने वाले हैं रूम हीटर। ठीक है भाई, चलते फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यार यहाँ पे हीटर बनाना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे हमने लिया है एक ईट, ठीक है, आप कोई से भी एक ईट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल पहले हीटर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस से मैंने ईट लिया, इसके क्या करते हैं यहाँ पे हम डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट दिखा देता हूँ गाइस, ये हमारे पे एक छोटा सा एलिमेंट है, आप 1500 वाट, 1000 वाट, 400 वाट कोई से भी ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। छोटा सा एलिमेंट है तो मेरे पे खराब पड़ा हुआ था, खराब नहीं था मतलब ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है, तो फजूल का, तो मैंने इसे ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे गाइस, आप अपने हिसाब से किस तरह इसमें डिजाइन बनाना चाहते हो उस हिसाब से बना सकते हो। तो ये होता है गाइस काफ़ी कम पैसों में, और गाइस 15 से 20 रुपये में और किसी आपको बिल्कुल परफेक्टली हमारा काम करेगा हीटर जो आता है। ठीक है, पत्थर वाला, तो उससे भी हम अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कम पैसे में। अगर आपको ये थोड़ा सही नहीं लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसको थोड़ा बेहतरीन बना के दिखलाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको बनाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे और इसको ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके से मैं इसको लगाऊंगा। सो गाइस यार पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर इस तरह ऐसे करके सांप बनाएंगे और यहाँ से लाएंगे, यहाँ से निकालेंगे, फिर उसके बाद तार वगैरह कनेक्शन करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग के लिए सर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइन बना लिया सांप की तरह। ठीक है, अब अपने हिसाब से जिस तरह आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये ऐसे घुमा फिरा के इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा खींच भी जाएगा, छोटा पड़ता था तो खींच जाएगा, तो हमने इतना पूरा ड्राइंग रखा है। ठीक है, तो इस तरह अभी क्या करते हैं इसको फटाफट मैं कटिंग कर लेता हूँ, इसमें जो डिजाइन बनाऊंगा। तो गाइस मैं ग्लेंडर की मदद से बनाने वाला, तो अभी मैं पहले ब्लेड चेंज कर लेता हूँ उसके बाद। तो गाइस यार यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कटिंग बिल्कुल कंप्लीट कर ली। गाइस इसमें धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, आपने देख लिया होगा वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखला देता हूँ, कुछ यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे सांप की तरह कुछ इस तरीके से मैं लेके गया और यहाँ पे थोड़ा गलत कर गया। ठीक है, यहाँ से यूँ ले गया और यहाँ से फिर ऐसे गए और यहाँ पे गाइस इसमें दो गलत कट गए, एक ये वाला गलत कट गया और एक ये वाला। तो आप ध्यान रखिएगा इसको यूँ सांप की तरह ऐसे करके ले जाना। ठीक है, यहाँ पे देखते ये वाला गलत हो गया, फिर उसके बाद ये वाला गलत हो गया, फिर यहाँ से ये सीधा निकल गया। तो यार यहाँ पे दो गलती हो गई मेरे से, आप ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से अपना कर लेना। और अब क्या करते हैं इसमें एलिमेंट लगाते हैं फटाक से। तो यहाँ पे मैं अपना एलिमेंट लेता हूँ, एलिमेंट जो है बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बैठता है। मैं पहले इसके क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके तार जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास दो तार है, तो सिंपली मैं इसको तार जोड़ लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने तार जोड़ लिया कुछ करके, और ये वाला तार भी सीधा जोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने तार दोनों जोड़ लिए। ठीक है, इस तरह आपको तार जोड़ लेने, काफ़ी आसान तरीका है ये हीटर बनाना। और बस गाइस क्या है कि इसमें थोड़ा ये रिक्सी आएगा, तो आप इसे बच्चों से बिल्कुल दूर रखें। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आप बना सकते हो। और आप इसमें क्रेजी आइडिया लगाओगे अगर खतरनाक थोड़ा आइडिया अपना अपग्रेड कर सके, थोड़े से अच्छे से बना सकते हो आप।
तो कुछ इस तरह से हमारा ये हीटर कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो गाइस यार यहाँ पे मैं आपको चला के दिला, ये थोड़ा जलेगा। तो गाइस यार यहाँ पे कुछ इस तरह से आप देखते हैं, तो इसकी हीट सिंक गाइस यकीन मानिए काफ़ी तेज़ हैगी और हीटर का भी काम बहुत अच्छे से कर रहा है। यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, मैं एक बार लाइट को बंद करके दिलाता हूँ आपको किस तरह से इसमें उजाला आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हो तो काफ़ी उजाला कर रहा है गाइस ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे फ्लैश भी बंद कर देते हैं एक बार, देखिए अब गाइस यकीन मानिए बहुत ज़्यादा लाल हो गया है और इसकी जो आँच आ रही है गाइस वो आग तापने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। पर इससे क्या दूर रही है, ठीक है, इतना दूर आप एक फुट की दूरी पर भी रहते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपको क्या नाम है उजाला जो है आपको गर्म हीट्स बहुत तगड़ा दे रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा धुआं निकल रहा है, इसके तार जल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेफ्टी करके लगाना होगा। तो गाइस यार वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी अमेजिंग के साथ, भैया मतलब भर भर के कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जल्दी मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।